una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. इसने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा कर सीजन की शानदार शुरुआत की। इस मैच के दौरान कौन से 5 रिकॉर्ड बने, आइए देखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में पहली बार किसी और की कप्तानी में खेले। इससे पहले धोनी ने अपने सारे मैच बतौर कप्तान खेले थे। पुणे सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने मुंबई इंडियंस की पारी के आखिरी ओवर में 30 रन दे दिए और ये आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा आखिरी ओवर रहा। इस मैच के दौरान अशोक डिंडा ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया, हालांकि इस रिकॉर्ड को वो बिल्कुल भी अपने नाम नहीं करना चाहते होंगे। अशोक डिंडा आईपीएल में सबसे ज्यादा बार एक मैच में 50 रन देने वाले गेंदबाज बन गए हैं। ऐसा उन्होंने 4 बार किया है। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस के लिए पार्थिव पटेल और जॉस बटलर ने पारी की शुरुआत की। आईपीएल की हिस्ट्री में यह पहला मौका था जब किसी 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों ने पारी की शुरुआत की। इस मुकाबले में पुणे के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने 34 गेंदों में 60 रनों की दमदार पारी खेली। रहाणे की आईपीएल में ये सबसे तेज पारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आईपीएल के अगले मुकाबले के साथ फिर होगी मुलाकात। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो। लव यू।